जिला सड़क सुरक्षा समिति, जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को प्रभावी तथा कड़े कदम उठाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्य अभियंता PWD गोरखपुर को स्मार्ट रोड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत स्मार्ट जंक्शन बनाए जाने के निर्देश दिए गए। अधिकतम सड़क दुर्घटना वाले 16 पॉइंट्स ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्रवाई कराए जाने तथा कृत कार्रवाई के डिजिटल वीडियो फोटोग्राफ्स 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 15 दिन में कराए जाने के निर्देश सचिव को दिए गए और महानगर में 16 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था हेतु सर्वे उपरांत टेंडर जारी किए जाने के विषय में अवगत कराया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रति बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाने हेतु विद्यालय प्रधानाचार्यों की बैठक में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए जाने पर जोर दिया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन हेतु लिए जाने वाले मासिक शुल्क ₹1,965 निर्धारित किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। सोलेशियम स्कीम के तहत हिट एंड रन के मामलों में घायलों को 50,000 एवं मृतकों को 2,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने के संबंध में अपर जिलाधिकारी नगर को नोडल अधिकारी नामित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि सभी लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके और सड़क पर वाहन दुर्घटना में कमी आए, जिसको देखते हुए विभिन्न चौराहों के सुंदरीकरण का कार्य किया गया, रीडिजाइनिंग का कार्य किया गया और रोड बाइंडिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सभी लोग ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा व अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तब तक सड़क दुर्घटना को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, जिससे कि सभी लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमारियों से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। सड़क दुर्घटना के पश्चात एम्बुलेंस के निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचने तथा आवश्यकता अनुसार नजदीकी हॉस्पिटल, चिकित्सालय, मेडिकल पहुंचाए जाने के संबंध में एम्बुलेंस चालकों को प्रशिक्षित करने तथा निर्देशित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर ARTO श्यामलाल, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, BSA रमेंद्र सिंह, TSI मनोज कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज सब दो मीटिंग है, इसमें एक जिला सड़क सुरक्षा समिति है, जिला विद्यालय परिवहन समिति हाईवे मौजूद है। पिछली जो कार्यवृत्ति थी उसमें कुल 9 जो है वो पुलिस सबसे ज्यादा हमारे हॉटस्पॉट कहाँ हैं, ब्लैक स्पॉट कहाँ है, हमारे जो अभी कौन से रोड है, लखनऊ रोड पे, लखनऊ रोड पे कहाँ पे टर्न ऑफ के बीच में एक्सीडेंट होते हैं ना, उसका वहाँ पे क्या रीडिजाइन हुआ है मंदिर है, और आप मीटिंग में कोई उसको इंटीग्रेट देखता नहीं, आप आईटी में इसको क्यों नहीं बुलाया, वो आए क्यों नहीं, नगर निगम से कौन है, प्लीज टेक दिस मीटिंग वेरी सीरियसली, इस मीटिंग को बहुत सीरियसली लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं खुद ही गवाह हूँ, 5 साल से इसके ऊपर ना नगर निगम ने किया है ना प्राधिकरण ने किया, एक जंक्शन भी ऐसा नहीं है जिसमें हम बोल सके देखे एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी जगह बे एरिया दिख रहा है, किसी जगह बैरियर भी नहीं है, पेडेस्ट्रियन पाथवे नहीं है, जो सड़क पर नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा आदमी, हवा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है कि सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाए, जिसके लिए विभिन्न चौराहों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। आपने देखा होगा हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके वहाँ पे सुधारात्मक कार्रवाइयाँ, रोड रीडिजाइनिंग का काम किया जा रहा है, जंक्शन का इंप्रूवमेंट का काम किया जा रहा है, रोड वाइडनिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए अपने सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा और अपने साथी पेडेस्ट्रियंस की सुरक्षा के लिए बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं, तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। आप सब जानते हैं कि सड़क सुरक्षा के प्राविधानों का पालन ना करने की वजह से बीमारियों से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं दुर्घटनाओं से, सड़क दुर्घटनाओं से। इसलिए हमें जागरूक होना है, एक दूसरे को प्रेरित करना है और 100% नियमों का पालन कराते हुए इसको एक जन आंदोलन बनाना है। लगातार उसमें अभियान चल रहा है, उनका प्रवर्तन भी हो रहा है। सभी फिटनेस सर्टिफिकेट की गाड़ियों को ही हम लोग स्कूल बसेस का परमिशन देंगे और इसके लिए RTO कार्यालय, हमारा पुलिस प्रशासन प्रवर्तन की कार्रवाई करेगा और नियमित रूप से ये चलता रहेगा। बैठक में सर कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें आपके हमारे परिवहन विभाग के, UPSRTC के, हमारे स्कूल प्रबंधकगण, हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण सभी सम्मिलित होंगे, ताकि सभी के समन्वय से हम लोग अच्छे परिणाम यहाँ प्राप्त करा सकें।